अमृतसर च सुधीर सूरी के कतल तो बाद जिवें ही खालिस्तानी संबंधी मामलों की जांच में अमृतपाल का नाम खुफिया एजेंसी की रडार से आया उस बारे नवी जानकारियां सामने आनियां शुरू हो गई ने। अमृतपाल के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने तो पहले जांच एजेंसियों ने मुलांकन किया कि वह कौन-कौन गतिविधियां कर रहा है। अमृतपाल के ट्विटर और सोशल मीडिया खातों तो यह गल सामने आई है कि वह पिछले कई सालों तो खालिस्तानी समर्थक विचारधारा का समर्थन करता है और अपने सोशल मीडिया पेज से भिंडरांवाले को हीरो वजो पेश करता है। अमृतपाल के सोशल मीडिया अकाउंट तो मिली कुछ तस्वीर च सूरी कतलकांड तो बाद उसके कातलों प्रति हमदर्दी प्रगटाई गई है। यह पोस्टर गुरमुखी भाषा में लिखा गया है। सूरी कतलकांड तो बाद जिवें ही अमृतपाल खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आया तो उसका ट्विटर अकाउंट 7 अक्टूबर को ब्लॉक कर दिया गया, पर इस जांच दौरान एजेंसियों को अमृतपाल के खालिस्तानी पक्षी मनसूबों और उस गतिविधियों का अंदाजा लग गया। अमृतपाल के फेसबुक अकाउंट दी कुछ पोस्टा च उसने भिंडरांवाले का समर्थन किया है। अमृतपाल इंज ही खुफिया एजेंसियों की रडार से नहीं आया सगो इसके पिछे पिछले 2 महीनों तो उस गतिविधियां चल रही ने। इस तो पहला 4 अगस्त को ट्विटर से एक पोस्ट के लिखा सी कि तिरंगा साडा झंडा है यानी सिखां दा है, तिरंगा साडा झंडा नहीं है। जेकर साडे कोल झंडा सी तां दरबार साहब ते हमला करके सिख झंडे नूं उतार के तिरंगा क्यों लहराया गया। एजेंसियां इसलिए भी चिंतित ने क्योंकि ISI कनेडा अमरीका जर्मनी और बरतानिया विच बैठे खालिस्तानियों नूं खुली हमायत दे रही है। खालिस्तानी जथेबंदियों वालों सैकड़े फर्जी ट्विटर हैंडल बनाए गए ने तो खालिस्तान का समर्थन करने वाली पोस्टा पाई जा 10 सितंबर तो लैके 10 अक्टूबर तक खालिस्तान रेफरेंडम के समर्थन 29,032 ट्वीट किए गए। खुफिया एजेंसी की जांच में यह गल सामने आई है कि इन्हों खातियां पाकिस्तान तो हैंडल किया जा रहा है। अमृतपाल दी मीटिंगां विच हो रही भीड़ की वीडियो भी बारीकी नाल देखी जा रही है। मनिया जा रहा है कि अमृतपाल के भाषणों नाल पंजाब के नौजवान भड़क रहे ने अते सूबे का माहौल भी खराब किया जा रहा है अते खालिस्तान के समर्थक भी इस स्थिति की भाल दे विच ने कि कदों सूबे का माहौल खराब होवे अते उन्हां दे वल्लों अपने मनसूबियां नूं कामयाब किया जा सके। अमृतसर च सुधीर सूरी के कतल तो बाद जिवें ही खालिस्तानी संबंधी मामलों की जांच में अमृतपाल का नाम खुफिया एजेंसी की रडार से आया उस बारे नवी जानकारियां सामने आनियां शुरू हो गई ने। अमृतपाल के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने तो पहले जांच एजेंसियों ने मुलांकन किया कि वह कौन-कौन गतिविधियां कर रहा है। अमृतपाल के ट्विटर और सोशल मीडिया खातों तो यह गल सामने आई है कि वह पिछले कई सालों तो खालिस्तानी समर्थक विचारधारा का समर्थन करता है अपने सोशल मीडिया पेज से भिंडरांवाले को हीरो वजो पेश करता है।